In this topic, we are going to do a recap of WordPress. WordPress एक ऐसा tool है जिसने मेरी ज़िंदगी तो बदल ही दी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी भी बदलेगा अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी WordPress से नहीं बदली. So the beauty of this DigiSkills.pk course is कि आपको superhero से हम मिलवा रहे हैं, आपको ऐसे लोगों से हम मिलवा रहे हैं जिन्होंने वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए किसी ना किसी तरीके से अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर किया. दे मेड मनी विद वर्डप्रेस. चाहे ये सुपर हीरोज़ हों लाइक आयशा या एनी या उस्मान या हिशाम, ऑल द पीपल दैट यू विल मीट ड्यूरिंग द फेज ऑफ दिस कोर्स हैव चेंज्ड देयर लाइफ विद वर्डप्रेस इन सम वे, विच इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा एक रीकैप करें और हम देखें यार वर्डप्रेस क्या है और किस तरह से वर्डप्रेस को लोग यूज़ कर रहे हैं. सो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ वर्डप्रेस? हमारे इस रीकैप में सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि वर्डप्रेस है क्या. वर्डप्रेस इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसीलिए उसको CMS भी कहा जाता है. इट इज़ अ सॉफ्टवेयर थ्रू विच यू कैन क्रिएट वेबसाइट्स, यू कैन क्रिएट ई स्टोर्स, यू कैन क्रिएट लैंडिंग पेजेस, और आप इस तरह का एक सिस्टम बना सकते हैं जिसमें आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं. तो दूसरा क्वेश्चन इस रिकैप में आता है कि व्हाई वर्डप्रेस? वर्डप्रेस आखिर क्यों यूज़ करना है? वो इसलिए क्योंकि इंटरनेट पे 30% ऑफ द इंटरनेट यूजेस वर्डप्रेस. भाई आखिर ये वर्डप्रेस क्यों यूज़ करते हैं? वो इसलिए बिकॉज वर्डप्रेस इज फास्ट, वर्डप्रेस is stable, WordPress is secure, WordPress is efficient, WordPress is very customizable, WordPress is very easy to use. और ये सारी features WordPress की make it the best content management system. So याद रखिएगा कि WordPress पूरी दुनिया में 30% से ज़्यादा websites use करती हैं, इसीलिए we recommend WordPress to you. बट मोर इम्पॉर्टेंटली, आप वर्डप्रेस से क्या कर सकते हैं? आप वर्डप्रेस से एक वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं. ये वेबसाइट हो सकता है आपकी अपनी हो, ये हो सकता है आपकी वेबसाइट किसी क्लाइंट की हो. किसी भी तरह की मोबाइल रेडी वेबसाइट बड़े ही आसान टूल से, टूल्स लाइक द डीवी बिल्डर, टूल्स लाइक द एलिमेंटर बिल्डर, जिससे आपको एक लाइन का कोड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वर्डप्रेस पे सेटअप कर सकते हैं. मुझे अपनी स्टोरी याद है, जब मैंने आज से 10 साल पहले वर्डप्रेस की एक साइट बनाई सिज़लोपीडिया, और मैंने उस साइट को 1 करोड़ रुपए का बेचा. आई सोल्ड इट फॉर मोर देन $100,000. साइट बनाना बड़ा आसान था और मैंने उसके लिए वर्डप्रेस यूज़ किया, बट द मेन अपॉर्चुनिटी एंड द मेन चैलेंज वॉज टू एड कॉन्टेंट, एंड दैट्स द चैलेंज दैट यू विल फेस एज अ वर्डप्रेस एक्सपर्ट. आपको एज अ वर्डप्रेस एक्सपर्ट, यू शुड नो वेयर कंटेंट कम्स फ्रॉम, यू शुड नो वेयर कंटेंट गोस, यू शुड नो हाउ कंटेंट ग्रोस. आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट कैसे काम करता है, एंड एग्जैक्टली दैट इज़ द पॉइंट विच इज़ अबाउट व्हाट यू कैन डू विद वर्डप्रेस. साथ ही साथ वर्डप्रेस के कुछ टूल्स एंड सर्विसेज, वर्डप्रेस की कुछ फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज, वर्डप्रेस की कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप यूज़ करके इस प्लेटफॉर्म को बड़े एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, थिंग्स लाइक थीम्स. इस रीकैप में वी वुड लाइक टू डिस्कस अ लॉट ऑफ द थीम्स दैट यू हैव बीन यूजिंग इन वर्डप्रेस. अभी तक आपने बेतहाशा नई थीम्स और नई नई अपीयरेंस के लिए, फंक्शनैलिटी के लिए सॉफ्टवेयर ट्राई किए होंगे, जिनको ऑब्वियसली हम थीम्स ही कहते हैं. प्लगइन बिल्डर्स भी होते हैं उसमें. So themes are a very integral part of the whole WordPress ecosystem. So themes ko try karein, themes ko dekhein. Themes ho sakta hai food blog se related ho,
थीम्स हो सकता है किसी एक रेस्टोरेंट से रिलेटेड हो, थीम्स हो सकता है किसी एक पर्सनल सीवी से रिलेटेड हो, थीम्स बेतहाशा अवेलेबल है. द ब्यूटी ऑफ दिस होल प्लेटफॉर्म दैट वी नो एज वर्डप्रेस इज कि आप बड़े ही आराम से थीम्स ले सकते हैं. हम तो रिकमेंड करते हैं कि आप फ्री थीम्स यूज़ करें, लेकिन अगर आप पेड थीम्स भी यूज़ करना चाह रहे हैं सो यू कैन एक्चुअली डू दैट. यू शुड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यू शुड इन्वेस्ट इन योर वेबसाइट यूजिंग थीम्स. और साथ ही साथ प्लगइन्स. प्लगइन्स क्या होते हैं? बिल्कुल एक प्लग की तरह प्लगइन्स एड न्यू फंक्शनैलिटी टू योर वेबसाइट. और हमें उम्मीद है कि अभी तक आपने काफ़ी नए प्लगइन्स को यूज़ किया होगा, काफ़ी नए प्लगइन्स को ट्राई किया होगा. नए नए प्लगइन्स को ट्राई करना इज़ अ नेवर एंडिंग जर्नी. सो ये ना समझे कि आपने एक दो प्लगइन्स ट्राई कर लिए, दैट्स इट. वी रिकमेंड यू टू ट्राई न्यू प्लगइन्स एवरी डे. वी रिकमेंड यू टू ट्राई एंड फाइंड न्यू प्लगइन्स विच विल एड न्यू फंक्शनैलिटी टू योर वेबसाइट. और एक कम्युनिटी के साथ लेके इसको चलें और उनके साथ सीखें. साथ ही साथ द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पेजेस. क्या आपको याद है कि पोस्ट और पेजेस में क्या डिफरेंस है? पोस्ट आर डायनामिक, पोस्ट हैव टाइम स्टैम्प, पेजेस ऑन द अदर हैंड आर स्टैटिक कॉन्टेंट पीसेस. सो ये जो डिफरेंस है बिटवीन पोस्ट एंड पेजेस, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ वर्डप्रेस. और साथ ही साथ SEO. क्या है SEO? SEO इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड वर्डप्रेस इज एक्चुअली द बेस्ट टूल दैट इज अवेलेबल टू यू थ्रू विच यू कैन डू SEO. तो SEO के बारे में ज़्यादा सीखना मत भूलें, SEO को जाके ज़्यादा एक्सप्लोर करें, ज़्यादा देखें. गूगल के कोई 200 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिसको यूज़ करते हुए गूगल पेजेस की SEO करता है, और उसमें वर्डप्रेस की SEO इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट. सो ड्यूरिंग दिस रीकैप आई वॉन्ट यू टू री इमेजिन, री लर्न एंड री थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स जो आपने हमारे इस वर्डप्रेस के कोर्स में हमारे साथ सीखी है, जिसमें SEO इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट एज वेल. साथ ही साथ अपनी कहानी को का ज़रा एक रीकैप करें और अपने आप को देखें कि क्या आप आज एक डिफरेंट फेज पे हैं एज कम्पेयर टू व्हेन यू स्टार्टेड लर्निंग वर्डप्रेस. मेरी अपनी वर्डप्रेस की स्टोरी, मैंने एक साइट वर्डप्रेस पे बनाई, मैंने बेतहाशा साइट्स बनाई, बट दो साइट्स इन सम वे चेंज मी बिकॉज दे हेल्प मी लर्न. साथ ही साथ लर्निंग हुई, पैसे भी बने, पैसे बने, लर्निंग हुई. सो दिस होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मेकिंग मनी एंड चेंजिंग योरसेल्फ इज सुपर इम्पॉर्टेंट एंड सुपर क्रूशल इन योर होल जर्नी ऑफ वर्डप्रेस. एंड रीकैप अगेन ऑन आर वर्डप्रेस के सुपर हीरोज, वो सुपर हीरोज जिन्होंने आपके साथ आपको सिखाया और आपके साथ आपको इंस्पायर किया, आपको मोटिवेट किया. बट वर्डप्रेस के सुपर हीरोज बहुत ज़्यादा हैं, देर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्डप्रेस सुपर हीरोज वर्ल्ड वाइड. सो उनकी स्टोरीज़ को ऑनलाइन जाके सर्च करें, उनकी स्टोरीज़ को देखें, उनकी स्टोरीज से इंस्पायर हों, देखें कि उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बदली. दैट्स वेरी क्रूशल टू लर्न फ्रॉम अदर्स, टू नो अदर्स एंड टू बी अ पार्ट ऑफ अदर्स जर्नी. अब मेरा आपसे जो क्वेश्चन है इस रीकैप में, वो बड़ा सिंपल है. क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल यू बिल्ड विद वर्डप्रेस? क्या आप अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे? क्या आप पाकिस्तान का पहला वर्डप्रेस पावर टूरिज्म पोर्टल लॉन्च करेंगे? क्या आप एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बनाएंगे? क्या आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे? क्या आप कोई ऐसी एक वेबसाइट बनाएंगे जो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? या विल यू मेक अ न्यूज़ पोर्टल आउट ऑफ वर्डप्रेस? और विल यू मेक अ ब्लॉग आउट ऑफ वर्डप्रेस? या क्या आप वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए अपने क्लाइंट्स को सर्व करेंगे? सो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके पास छोड़ना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप इनके बारे में सोचें कि आप वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए कैसे अपनी ज़िंदगी बदलेंगे, और आप वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए कैसे बाकियों की ज़िंदगी बदलेंगे, और हमारे साथ इस जर्नी में एंटर होंगे एज अ वर्डप्रेस सुपर हीरो. सो गुड लक.
and let's keep learning from each other and grow together and learn together and work together.